क्योंकि गुड़िया को कोई और काम सौंपा गया है और वो काम गुड़िया छुपा रही है। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू माई व्लॉग। और आज आपको मेरा बैकग्राउंड थोड़ा अलग दिख रहा होगा क्योंकि मैं आई हूँ आज अपनी मामी के घर पे। अभी मैं छत पे आई हूँ और आप देखो छत पे कितनी ज़्यादा फॉग है। यहाँ पे मज़ा भी बहुत आ रहा है लेकिन क्योंकि ठंड नहीं है इतनी ना, सिर्फ फॉग ही फॉग है। पर जम्मू में बहुत ज़्यादा ठंड है फॉग के साथ साथ, यहाँ पे कम है। और अभी आपको मैं मिलाती हूँ अपनी कज़न से। हाय हेलो। तो यहाँ पे ठंड है? नहीं, जम्मू में ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा कश्मीर में ज्यादा। हम यहाँ खड़े हो गए ना, हम अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज याद कर रहे थे कि हमने यहाँ पे कितना खेला हुआ। और हम लोग पीछे जाते थे, इतना ज्यादा खेलते थे, हमें घर पे बैठ के हमें हमारी माता श्रियाँ मतलब मेरी माता श्री, इसकी माता श्री, हम लोगों को ढूंढते रहते थे कि ये लोग गएगा। फिर ऊपर से छत पे आके ना वहां से आवाजें मारते थे, मतलब इतना आम के नीचे वो दरी डाल के लेटते भी थे। यहाँ पे एक बेकरी नहीं होती थी जिससे हम नीचे केक मंगवाते थे? यही बेकरी थी, ये बेकरी थी ना। यहाँ पे नीचे एक बेकरी होती थी तो हम वहाँ से ना ऊपर से अंकल को टक 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 शेड से, मतलब ऊपर शेड डाला होता था उन्होंने, हम ऊपर से टक 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 करके बोलते थे अंकल जी प्लीज केक दे दो, एक केक भेज दो। वो नीचे से ना उसका एक ही ड्रॉबैक होता था, मीठा नहीं होता था, मीठा नहीं होता था। नीचे से ऊपर ना पता नहीं किस चीज में वो ऊपर करके ना ऐसे केक बेचते थे कि लो बच्चों खा लो, छोटा सा मतलब ज्यादा बड़ा नहीं। पर इसके भी अपने ही मजे है ना, मजेदार। चितर भी कितने खाए हम लोगों ने, ट्यूबवेल में नहाने भी जाते थे। एग्जैक्टली हम लोग ना ट्यूबवेल में नहाने जाते थे लिटरली यहाँ से, छोटे बच्चे होते। हाँ तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आज क्या बन रहा है। तो अभी बाय बाय कर दो तुम लोग क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा ठंड है और मैं छत पे आई हूँ। और यहाँ पे उतरने में बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि बहुत डेंजरस वाली सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने अभी ना नया नया घर बनाया है और अभी उतरने में बहुत थोड़ी मुझे मुश्किल होती है। चलो मैं नीचे जाके बात करती हूँ। हाय, क्या बन रहा है? ये है मेरी मामी जी। हाय करो मामी। हाय, ये मेरी मामी है, ये मेरी मम्मी है, इनको तो सब जानते हैं। मामी कह रहे मैं हंसूंगी नहीं क्योंकि मेरे दांत नहीं है। वाली बात होती सबको नहीं बतानी है। चिमचा दे हमारा, ये लो तुम्हारा, थैंक यू चिमचा जो तुम मांग रहे थे। गाइज ये हमारा ना रियल व्लॉग होने वाला है, तो हम लोग जैसे घर में बात करते हैं डोगरी में, हम वैसे ही बात करेंगे। अभी बन रहा है आलू वाले परांठे और ये मामी की है छोटी सी बेटी जिसका नाम है काकी। ये है काकी। व्लॉग के चक्कर में मेरी दजी उड़ा रहे हैं। चलो बेटा उठो, सारे किचन में काम कर रहे हैं। चलो बोलो उनको मेरे को परांठे दे देना, ठीक है? अच्छा, आज इसका एनसीसी का पेपर है। और ये बैन पेपर कब है? पहले ये बता पेपर कब है? कल। कल पेपर है और यहाँ पे ऐसी तैयारी हो रही है ना, सो के तैयारी हो रही है पेपर की। चलो उठो, ये देखो फोन, कहाँ है फोन? ये फोन चल रहे हैं इनके और पेपर है इनके, एनसीसी का पेपर है इनका। परांठी दो जल्दी। शाबाश। और यहाँ मेरी जिग्गी सो रही है, मेरा प्यारा सा बच्चा। अरे उठ नहीं रही है लड़की। बेइज्जती करनी है आपने हर व्लॉग में। लोग परोंठे कौन बना रहा है? देखो तीन तीन बंदे बना रहे हैं हमारे घर में परोंठे। एक ये देखो कैसे काम हो रहा है, एक यहाँ पे परोंठे बना रहा है और ये इतनी मस्त मस्त परोंठे, एक ऑयल लगा रही है अभी बन रही है, एक ये परोंठी बना रहा है, बना बना के यहाँ रख रहे हैं। ये मेरी सिस्टर परोंठी बना रही है, ठीक है। ये मेरी माता श्री है जो कि फिलिंग कर रहे हैं। ये मेरी मामी की बड़ी बेटी हेलो जो फ्राई कर रही है। अच्छा तो गाइज ब्रेकफास्ट करने के टाइम ये वाले गुरुजी आ गए थे। ये हैं बाल योगेश्वर दास जी, ये मेरी मामी जी के गुरुजी हैं। तो हम लोगों ने फिर ब्रेकफास्ट ऐसे टूटा फूटा ही कर लिया फटाफट से, क्योंकि मम्मा और यहाँ चले गए माथा टेकने के लिए, तो उन्होंने क्लिप ले ली थी तो मैंने ये बीच में ऐड कर दी। यहाँ पे हमारा शिफ्ट हो चुका है किचन का सीन। अब पहले मम्मा मैं और गुड़िया लगे थे, अब दीदी लगी है क्योंकि गुड़िया को कोई और काम सौंपा गया है।
हंसना तो पा रही गाइज, हम यहाँ पे इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि हम लोग सब अपना अपना काम कर रहे थे, तो गुड़िया को हमने काम दे दिया था झाड़ू लगाने के लिए, तो वो बोल रही थी प्लीज़ मेरी वीडियो मत बनाओ, मेरी वीडियो मत बनाओ, तो हम लोग हंस रहे थे कि नहीं ये तो डालेंगे, ये तो ज़रूर डालेंगे। दोपहर के खाने की तैयारी चल रही है, पचक पचक क्या बन रहा है? मटर पनीर। अम अम यम यम। ओके, ये चावल धोते हुए लंच हो गया है और अभी हम जा रहे हैं केक कट करने, और सुबह से लाइट नहीं है उसका वेट कर रहे हैं केक कट करने का, और जिसने केक कट करना है वो भाग गया, मतलब वो काम करी जा रही है भाग भाग के, जिसकी जॉब लगी अभी मैं उसको मिलवाती हूँ। आ जा आ जा, बहन वो पागल हो गई। हाँ सारे अभी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मामी जी चाय बना रहे हैं। मेरा काम कौन है? हाय, केक कट करने लगे हो आप? मजा आएगा, मजा आएगा। तो अभी बस हम केक कट करने लगे हैं, लाइट का वेट कर रहे हैं क्योंकि लाइट कह रही है, मुझे लग रहा है मैं व्लॉग्स में अच्छी नहीं आ रही हूँ, मैं कौन से अच्छी आ रही हूँ? कमेंट करना गाइस अगर मैं अच्छी आ रही हूँ। बहुत लगी है तो सारे इसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कमेंट कर देना, ठीक है? बहुत सारी विशेस मिले इसको, बहुत सारा, इतनी सारी प्रमोशन ले, ट्रांसफर भी कर देना। अच्छा तो गाइज, हम लोग मामी जी के घर में इसलिए गए थे क्योंकि मेरी मामी जी की बड़ी बेटी गुड़िया की जॉब लग गई थी RRB बैंक में, तो हम लोग उसको कंग्रेचुलेट करने गए थे, और वहाँ पे हम लोगों ने छोटा मोटा सेलिब्रेट किया, उसके केक वगैरह कट किया, उसके बाद हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, और यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके घर आ गए, और घर आने के बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। सो यार गाइज, यही था मेरा छोटा मोटा रियल व्लॉग, रियल और रॉ व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय।